अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, नजर इंडिया न्यूज में आपका इस्तकबाल है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिछले कई महीनों से मुल्क भर में CAA, NRC और NPR के खिलाफ एहतजाजी धरनों का सिलसिला जारी है। महिलाओं के इस आंदोलन ने एक तारीख रकम करते हुए भाजपा सरकार को अपने तेवर नर्म करने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे में कोरोना वायरस की वबा के खतरे ने सारी दुनिया के साथ साथ भारत में भी दस्तक दी है। पूरे मुल्क में अब तक इस वायरस के 72 मरीज और एक मौत की तस्दीक हुई है। महाराष्ट्र रियासत में भी कुछ जगहों पर इसके मामलात सामने आए हैं। NRC और NPR का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है और इसका फैसला आना अभी बाकी है। इसी दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुंब्रा कलवा के विधायक और महाराष्ट्र राज्य के हाउसिंग मिनिस्टर जनाब जितेंद्र व्हार ने शाहीन बाग की महिलाओं से अपील की है कि कोरोना वायरस के खतरे को मद्देनजर रखते हुए उन्हें कुछ दिनों तक अपना प्रदर्शन रोक देना चाहिए, शायद तब तक NPR पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ जाएगा। आज पूरे देश में, पूरे दुनिया में भय का माहौल है। कोरोना जगह जगह पे फैल रहा है, महाराष्ट्र में भी उसका असर दिखने लगा है। आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने ब्रिटिशों ने लगाया हुआ कानून इस्तेमाल करने का निर्णय ले लिया। 1897 में जब प्लेग आया था, तब जब कानून लाया था, वही कानून अब लगाया जाएगा। मैं खास करके शाहीन बाग में बैठी हुई हमारे बहनों से यहाँ पे विनम्र अपील करने जा रहा हूँ कि NPR, NRC और CAA के ऊपर कमिटी स्थापित हुई है। आप सभी बहनों से चर्चा करके जिस समिति के अनिल परब अध्यक्ष हों और मैं सदस्य हूँ, आपको कोई चिंतित होने की बात नहीं है। हम यहाँ के पिछड़े समाज के लोग, यहाँ के दलित समाज के लोग, यहाँ के आदिवासी समाज के लोग, यहाँ के जो भी समाज है जो इससे भय से पिछड़े हुए हैं, उनसे बात करके NPR के निर्णय तक आएंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि डरने की कोई बात नहीं है, आपसे चर्चा किए बिना कोई भी NPR लागू नहीं होगा। इसलिए आज जब पूरा देश डरा हुआ है, पूरी दुनिया डरी हुई है, कोरोना फैल सकता है ऐसा माना जा रहा है, आप अगर ये आंदोलन थोड़े दिन के लिए स्थगित कर दो, उसके बीच में तो NPR का निर्णय आ ही जाएगा। तो मैं आपको इस माध्यम से विनंती कर रहा हूँ कि आप, आपके कुटुंब के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके खुद के लिए इस आंदोलन से थोड़ा सा, क्योंकि भीड़ बहुत है, हट जाएं और पूरे देश में जो संकट है उस संकट को रोकने के लिए आप हमारी सहायता करें। इनकी इस अपील के बारे में हमने मुंब्रा शाहीन बाग की महिलाओं से बात की। उनका कहना था कि ये आंदोलन किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगा, हम इस काले कानून के वापस लिए जाने तक अपना धरना जारी रखेंगे। साथ ही उन्होंने अवहार साहब से मांग की है कि उन्हें अपील करने के बजाय शाहीन बाग की महिलाओं और वहां मौजूद उनके बच्चों के लिए मेडिकल टीम का इंतजाम करना चाहिए। दोस्तों, इस्तकबाल है आपका नजर इंडिया न्यूज में, और आज मुंब्रा के विधायक और महाराष्ट्र के गृह निर्माण मंत्री जनाब जितेंद्र हवाड़ का एक वीडियो वायरल हुआ है। न्यूज़ 18 में उन्होंने एक बयान दिया है और शाहीन बाग की सभी महिलाओं से उन्होंने एक रिक्वेस्ट की, उन्होंने अपील की है कि कोरोना वायरस फैल रहा है और NPR और NRC पर भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी तक आया नहीं है, तो कोरोना वायरस को फैलने की वजह से शाहीन बाग में बैठी हुई औरतों और बच्चों को भी खतरा है। तो उन्होंने कुछ ऐसी अपील की है कि कुछ दिन के लिए ये एहतजाज को रोक दिया जाए शाहीन बाग के। तो आइए हम बात करते हैं शाहीन बाग में बैठी हुई हमारी बहनों से कि उनका क्या कहना है, जितेंद्र अवार्ड के लिए उनका क्या मैसेज है। हमारे साथ मौजूद है रेहाना आपा, जो यहाँ का जो चार्ज संभाले हुए पूरा, इन्हीं की निगरानी में होता है ये। तो शाहीन आपा क्या कहेंगे आप रेहाना आपा? पहले तो शुक्रिया जितेंद्र अवार्ड साहब ने शाहीन बाग के बारे में थोड़ा सा सोचा, जबकि हमारी उनकी मुलाकात नहीं हुई है, 55 दिन हो गए आज। लेकिन उन्होंने शाहीन बाग वालों को जो उठने के लिए कहा है, इसकी लाइन से तो हम यहाँ इस कानून को ही वापस कराने के लिए बैठे थे। तो ये 55 दिन की मेहनत है और ये आगे भी चलती रहेगी। रही बात कोरोना वायरस की, तो मौत तो यहाँ नहीं वहाँ आनी ही है। हाँ, लेकिन उन्होंने मेरी फिक्र अगर की है तो मैं उनको भी कहती हूँ, या उनको मैं ये बात बताना चाहती हूँ
कि उन्होंने हमारे लिए आइसोलेशन के लिए इंतज़ाम करना चाहिए, मेडिकल टीम भेज देना चाहिए और हमारे इलाज का और आने वाले लोगों की टेस्ट होनी चाहिए। जितनी बहनें यहाँ बैठी है सबका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, यह प्रॉपर काम कल सुबह से शुरू हो जाना चाहिए, यहाँ हटने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। उन्होंने जिस तरह से कहा, एक अपील के तौर पर उन्होंने ये चीज़ कही है, तो क्या कहेंगे आप भी ये बात अपील के तौर पर बोल रहे हैं या आपकी तरफ से जवाब है? मैं ये अपील के तौर पर नहीं, मैं तो बिल्कुल विनम्रता के साथ कह रही हूँ, क्योंकि हमारा आंदोलन सत्य अहिंसा संयम से चल रहा है, तो हम पैनिक होने वाले लोग नहीं, हम संयम से काम करने वाले लोग। तो ये जो कोरोना वायरस की वजह से जो पूरी दुनिया में भगदड़ मची है, इसमें भी हम हमारे संयम का सबूत देंगे। तो मैं चाहती हूँ, फिर से एक बार कहती हूँ कि शाहीन बाग वाली जितनी बहनें बच्चियाँ बैठी हैं, हमारी सबकी चेकअप होनी चाहिए, बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनकी भी चेकअप होनी चाहिए, टेस्ट होनी चाहिए उनके ब्लड टेस्ट वगैरह, और हमारे आइसोलेशन के लिए उन्होंने इंतज़ाम करना है। हमारे हेल्थ की फिक्र करना ये समाज का काम है, सभी का काम है। यानी कि मतलब कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जिस तरह अमित शाह ने भी आज राज्यसभा में कहा कि कोई NPR से डरने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई डॉक्यूमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोरोना वायरस, आपको ऐसा लगता है कि कहीं कोरोना वायरस का बहाना बनाकर कोशिश की जा रही है एहतजाज को हटाने की? हो सकता है कोरोना के आड़ में यह शाहीनबाग को उठाने की कोशिश हो, लेकिन हम तो एक मकसद लिए बैठे हैं, यह हालात तो ऐसे नहीं वैसे हवाएं चलेंगी, उसके लिए हम तैयार हैं। अब क्या ज़िंदगी और मौत, हमने बिल्कुल ठान ली इस बात को कि इस कानून को हटा के इस मुल्क को एक अलग और नई दिशा देना चाहते हैं, और हम बिल्कुल भी कोरोना वायरस से नहीं डरते। हाँ, हमारी जो फिक्र है उसके लिए मेडिकल कैंप लगना बहुत ज़रूरी है। आखिरी बात, आपने तो आवाज साहब को ये बात कही है कि मेडिकल कैंप वो लगाए नहीं, लगे उनकी तरफ से, शाहीन बाग के ऑर्गेनाइज़र की तरफ से क्या यहाँ पर इस चीज़ के लिए एहतियाती तदबीर की गई है? अभी तक तो नहीं की है, लेकिन हम उनसे भी आज रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे लिए यहाँ डॉक्टर्स की टीम होना बहुत ज़रूरी है, वो होनी ही चाहिए थी, और अब वो करेंगे अरेंज इंशाल्लाह। हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे आज कि हमारे लिए कल के कल सुबह की सुबह यहाँ पे डॉक्टर्स की टीम हाजिर होनी चाहिए। ये बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है नीलोफर आपा, क्या कहेंगे आप, कुछ मैसेज है विधायक साहब के लिए? जी देखिए, ये एहतजाज होते हुए पूरे 3 महीने होने आए हैं, दिसंबर 2019 में एक्ट पास हुआ, 3 महीने पूरे होने आए हैं लगभग। अब तक कमेटी पहले ही बन जानी चाहिए थी, जो भी आप लोगों को उसके बारे में एनालिसिस करना था, डिसीजन लेना था, ये सब पहले ही ले लेना चाहिए था। ऑलरेडी 90 दिन गुजर चुके, अब कमेटी बनाकर अब स्टडी करना है उनको कानून के बारे में, NPR के बारे में, CAA के बारे में, मेरे समझ में नहीं आता है कानून बनाने से पहले क्यों नहीं स्टडी किया जाता है। कानून बन जाता है उसके बाद 10 दिन में करिए आप स्टडी, 15 दिन में करिए, 3 महीना होने के बाद 6 सदस्यों की कमेटी बनाई जा रही है और उसके ऊपर अब स्टडी करना है, ये बात जितेंद्र अवार्ड साहब ने कहा है, और उसके बाद में उन्होंने अपील की है कि ये शाहीन बाग ख़त्म कर दिया जाए। तो शाहीन बाग तो बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा, हम लोग यहाँ जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होंगी, जो भी एहतियाती तदाबीर करनी होगी, हम लोग इंशाल्लाह करेंगे, और हम कोरोना वायरस से बिल्कुल नहीं डरते हैं, हम यहीं डटे रहेंगे, यहीं जमे रहेंगे जब तक NPR वापस नहीं हो जाता। आपका इस पर क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अपने शहर और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए नजर इंडिया न्यूज़। शुक्रिया।